Hello friends, welcome to the lecture series of Brainy IAS of Ancient History. And in this series, today we are going to discuss about Mahajanpadas and rise of Magad. Abhi tak humne baki Buddhism, Jainism and all other aspects we have covered. You can watch or you can learn about them from my previous videos of Brainy IAS. The book which I am referring for this purpose is the book which I have been provided you through the notes. And it is the same book that have been given to you. That is a Brainy IAS book, history. So, शुरू करते हैं दोस्तों. तो to start with, friends, we have discussed about Buddhism, we have discussed about Jainism. कि Buddhism भी आपका शुरू हो गया था, Jainism भी आपका शुरू हो गया था. और Buddhism and Jainism, ये दो एक चीज के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा focus कर रहे थे. That was the no class, no caste society. So it was very much famous during these periods कि people were joining these religions. और हुआ ये था, अगर हल्का से मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करूं, इन इंडिया दे वर ट्राइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड्स. व्हाई? बिकॉज हमारी सोसाइटी एक्सपेंड करती जा रही थी. एज आर सोसाइटी वाज एक्सपेंडिंग, सो दे वर शिफ्टिंग टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड एंड स्लोली एंड स्टेडली दे वर शिफ्टिंग टूवर्ड्स ईस्ट 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 एंड ईस्ट. सो अर्लियर देर वॉज जनास और जनपद्स, और बाद में जैसे ये राइट की तरफ शिफ्ट करते गए देर वॉज महाजनपद्स और बड़े शहर. All in all, there were 16 Mahajanpad friends. 16 Mahajanpad थे जो हमें पता चला है. For examination point of view, you need not memorize. Though these Mahajanpad have been given in your books, all the 16 Mahajanpads have been given. But जो famous है उनको मैं यहाँ पे discuss कर देता हूँ. Mahajanpads. हमने पिछले lectures में देखा friends कि आपकी Mahajanpads कहाँ बनती थी या फिर आपकी ये settlement कहाँ पे होती थी. आपकी ये जितनी भी सेटलमेंट होती थी, ये सारी की सारी सेटलमेंट होती थी आपकी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स. सो द रिवर दैट दे फाउंड टू बी वेरी, यू कैन से, फर्टाइल वॉज नॉर्थ नदर्न इंडियन प्लेन, जहां से आपकी गंगा फ्लो करती है. सो दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, और गंगा के आसपास उन्होंने अपना रहना शुरू कर दिया, और वहां पर जो इन्होंने शहर बनाए, और उन शहरों को हमने कहना शुरू कर दिया एज द महाजनपद. अब इन 16 महाजनपद का हमें रेफरेंस कहां पर मिलता है दोस्तों? इनका हमें रेफरेंस दो जगह से मिलता है. वन इज फ्रॉम बुद्धिज्म, अनदर वन इज फ्रॉम जैनिज्म. एक हमें बुद्धिज्म से रेफरेंस मिलता है, एक हमें जैनिज्म से रेफरेंस मिलता है. जो जैनिज्म से और बुद्धिज्म से हमें कहां कहां से रेफरेंस मिल रहा है, वन इज फ्रॉम अंगुतारा. इफ यू रिमेंबर अंगुतारा, अंगुतारा एंड अनदर वन वॉज भगवती सूत्रा. भगवती सूत्रा, भगवती सूत्रा इज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का था आपका अंगुतारा. अगर आपको याद हो, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस सुत्तपीठिका. सुत्तपीठिका इज फर्दर डिवाइडेड इनटू निकायस, और उन निकायस के हमने अंदर वी हैव स्टडीड अबाउट दिस अंगुतारा निकाय. सो अंगुतारा निकाय इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टेल्स अस अबाउट दिस 16 महाजनपद. अब ये 16 महाजनपद में से भी अगर क्वेश्चन किस हिसाब से दे कैन पुट इट लाइक सी देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस महाजनपद्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कैन बी पुट इन. Like, if we expect each and every Mahajanpad of this time into two categories. Either the Mahajanpad could be in the north or it could be in the south. We expect each and every Mahajanpad to be in the north on the banks of river Ganga. गंगा के किनारे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सारी की सारी महाजनपद यहां हों. लेकिन फ्रेंड्स, एक महाजनपद ऐसी भी थी जो कि थी डेक्कन में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, पोताना. सो वी हैड वन जनपद इन द साउथ एंड द नेम ऑफ द महाजनपद इज गोदावरी, एंड गोदावरी इज इन द साउथ. सो साउथ में जो आपकी महाजनपद है गोदावरी, इस महाजनपद का नाम क्या था? इस महाजनपद का नाम था फ्रेंड्स एज अस्माका. Asmaka was the name of the Mahajanpad. So why this Asmaka was important? Asmaka was important because it was in the south and on the banks of river Godavari. अब ये तो हो गया हमारी साउथ की बात. अगर मैं नॉर्थ की बात करता हूं, देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि जितनी भी आपकी हमारी महाजनपद होंगी, दीज महाजनपद विल बी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, गंगा के किनारे होंगी. ठीक है, लेकिन कुछ महाजनपद हमारी ऐसी भी थी जो गंगा के किनारे नहीं थी. दोज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड दो महाजनपद विच आर नॉट
which were not on the banks of river Ganga, those are three Mahajanpads. कौन सी तीन महाजनपद हैं? We have Avanti, Gandhara and Kamboj. One is Avanti, second is Gandhara and last one is Kamboj. Kamboja. Avanti जो थी, Avanti was very much, हम इसको देखेंगे कि देखो सारी की सारी महाजनपद लास्ट में Avanti, आपकी मगध, Avanti, Kosala, ये कुछ महाजनपद थी जो लास्ट तक बची थी. और अवंती सबसे स्ट्रांग महाजनपद क्यों थी? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन. अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, इस महाजनपद में आयरन था, इसीलिए लास्ट तक स्ट्रांग टिकी रही है महाजनपद. और दूसरी साइड से क्या था? अवंती वॉज नॉट इन द गैंगेटिक रीजन. सो दिस कैन बी ऑल्सो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैंगेटिक महाजनपद. सो अवंती, गंधारा, कंबोज, दीज थ्री आर नॉट द गैंगेटिक महाजनपदास. नेक्स्ट इज गंधारा. गंधारा इज ऑल्सो नॉट अ गैंगेटिक महाजनपद. गंधारा, इफ यू रिमेंबर, गंधारा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सिंस एंशियंट हिस्ट्री, बिकॉज अभी हम पढ़ रहे हैं गंधारा. गंधारा बेसिकली है कहाँ पे? देर इज अ प्लेस नेम्ड इन अफगानिस्तान कंधार. कंधार जो है उसको हम गंधारा कहते हैं. गंधार का हमारे पास फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रेफरेंस आता है. वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ गंधारा. इन एशियन टाइम्स वी हैव लर्न दैट देयर इज अ, इन महाभारत देयर इज अ लेडी नेम्ड एज गंधारी और शकुनी, हर ब्रदर. तो शकुनी कौन था? गंधार नरेश शकुनी था. सो शकुनी, गंधार मतलब अफगानिस्तान के पार्ट से, वो कहीं से था. एंड ही वॉज प्रिंस ऑफ देयर, ऑफ दैट प्लेस. सो ही केम टू इंडिया एंड दे हैड अ फाइट काइंड ऑफ अ थिंग, जो भी कौरव पांडव की हुई थी. सो गंधार नरेश और गंधारी, इट वॉज ऑल्सो महाजनपद विच वॉज नॉट इन द गैंगेटिक रीजन. उसके बाद गंधारा हमें कहाँ मिलता है? गंधारा हमें आगे जाके मिलेगा इन द पोस्ट मॉडर्न फेज, जब हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न फेज, जहां पे हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किए गए बाय फॉरेन रूलर्स, लेट इट बी इंडो ग्रीक्स, लेट इट बी शाकास, लेट इट बी कुशनास और पार्थियंस. और जब इन लोगों ने हमारे इंडिया पे अटैक किया, तो इंडिया पे अटैक करने के बाद देयर वाज टू काइंड ऑफ, यू कैन से, सिविलाइज कल्चर्स. वन वॉज द इंडियन कल्चर विच देवर फॉलोइंग, विच वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड अदर कल्चर वॉज विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक एम्परर्स. सो ग्रीक एम्परर्स का एक अलग से फेज आ रहा है, यहां से इंडियन का एक अलग से वेव आ रही है. दोनों वेव जाके कहां मिलती है? गंधारा में. सो गंधारा इज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज अ ब्लेंड ऑफ, यू कैन से, इंडो ग्रीक कल्चर और ग्रीक कल्चर. एंड इट इज इनडायरेक्टली कॉल्ड एज गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. फर्दर हम आगे देखेंगे, देर आर थ्री स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर. वन इज द गंधारा, वन इज द मथुरा एंड वन इज द अमरावती स्कूल. तो मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल जो है, दे आर टिपिकली इंडियन काइंड ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर. वेयर एज गंधारा स्कूल जो है, इट्स अ मिक्सचर. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मिक्सचर क्यों है? क्योंकि इसमें अगर आप बुद्धा की फोटोग्राफ्स देखते हो, तो बुद्धा को एज अ इंडियन इंडिविजुअल नहीं ट्रीट किया गया है. इसको ट्रीट किया है, इसको शो, पंप एंड शो के साथ ट्रीट किया गया. एंड इट हैज अ लाइफ साइज इमेजेस ऑफ बुद्धा. और बुद्धा को इन्होंने ऐसे दिखाया है एज इफ उसके फीचर्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं, लेट इट बी हिज फेस फीचर्स और अदर थिंग्स, कि रोमन गॉड की तरह, अपोलो की तरह कहीं ना कहीं इसको ट्रीट किया गया है. सो देर वॉज बुद्धा फ्रॉम द इंडिया एंड हिज आर्किटेक्चर एंड हिज डिजाइन वॉज फ्रॉम ग्रीक. सो गंधारा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड रिमेंबर क्लास, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द करंट कंटेक्स, बिकॉज देर वॉज अ फ्लाइट हाईजैक इन इंडिया. जो लास्ट फ्लाइट हाईजैक हुआ था इंडिया का, दैट वॉज IC-814. IC-814 यहां से अमृतसर से उड़ा था. उड़ने के बाद इट वॉज टेकन टू कंधार, और कंधार में जाके जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे उनको इंडिया ने छोड़ा था. सो दैट पार्ट ऑल्सो कम्स अंडर गंधारा. सो गंधारा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू बी रिमेंबर्ड. ये भी याद रखिएगा कि गंधारा वॉज अ, यू कैन से, महाजनपद विच वॉज नॉट इन द गैंगेटिक रीजन. एंड लास्ट महाजनपद विच वॉज नॉट इन द गैंगेटिक रीजन वॉज कंबोजा. कंबोजा भी एक ऐसा था जिसका गैंगेटिक रीजन से कोई लेना देना था नहीं था. लेकिन एक बात याद रखिए, कंबोज का एक किंग था, उसका नाम था पुक्कुसती. Pukkusati was the name of the king of Cambodia. He had very cordial relationships with Bimbisar. Bimbisar ke saath iske bahut hi zyada
कॉर्डियल रिलेशनशिप थे. सो कंबोजा, पुकुसती एंड बिंबिसार, ये तीन आपकी ऐसी हैं जो आपके अलग हैं. सो फ्रेंड्स, एक चीज होगी हमारी, सारी की सारी आपकी जो महाजनपद से, दीज महाजनपद वर सपोज टू बी इन द नॉर्थ, बट सम महाजनपद वर नॉट इन द नॉर्थ, देवर सिचुएटेड, देवर लोकेटेड इन द साउथ, एंड द नेम ऑफ दैट इज अस्माका, विच हैज टू बी मेमोराइज्ड. ऑल आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द गैंगेटिक वैली, बट ईच एंड एवरीथिंग वॉज नॉट इन द गैंगेटिक वैली, सम वर टूवर्ड्स यू कैन से बियॉन्ड गैंगेटिक वैली, एंड दोज आर अवंती. अवंती इज इंपॉर्टेंट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन. गंधारा, एंड आफ्टर दैट वी हैव कंबोजा. कंबोजा के अंदर वी हैव सीन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पुकुसती एंड बिंबिसारा. हु वाज बिंबिसारा? बिंबिसारा हरयंका डायनेस्टी, जो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में. हरयंका डायनेस्टी का फाउंडर था बिंबिसार. सो मतलब यहां पे बिंबिसार, पुकुसती और वहां पे थोड़ा बहुत बुद्धा का. इफ यू कैन कोरिलेट दीज टू लेक्चर्स, आज का टुडेज लेक्चर एंड माय प्रीवियस लेक्चर, तो यू विल कम अक्रॉस कि दीज आर द फ्यू किंग्स विच आर देयर ड्यूरिंग बुद्धा इरा, व्हेन बुद्धा वाज लिविंग समवेयर इन इंडिया, उस टाइम पे सारे के सारे आपके चल रहे थे. ओके, सो कंबोजा दिस. अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव टू मोर महाजनपद, दोज आर द काशी एंड अंगा. ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई काशी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज काशी वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन. काशी को हर कोई जीतना चाहता था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन. तो काशी को, इट वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन कोसाला एंड मगध. कोसाला एंड मगध की बोन ऑफ कंटेंशन थी. इसको हम देखेंगे जब हमने आगे हरयंका डायनेस्टी में बिंबिसारा को देखेंगे. तो दे हैड अ कोसाला वॉर, और कोसाला वॉर में काशी एज अ डाउरी दी गई थी टू द बिंबिसार. And later on, his son Azashatru also got Kashi in a dowry. So, Kamboj, Kashi, Anga, Gandhar, Avanti, Asmaka. These are important. And Anga was capital was Champa, which is known as the modern Bhagalpur. And it was easternmost Mahajanpad. Easternmost Mahajanpad. पद, ये ईस्टर्न मोस्ट आपकी महाजनपद थी. सो वी हैव अंगा, और ये हमारी सारी की सारी महाजनपद आयास हैं. अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करें अबाउट दिस अंगा, देन वी कैन ऑल्सो एडजस्ट अंगा. अंगा का हमें रेफरेंस और कहां पे मिलता है? अंगा का हमें रेफरेंस मिलता है फ्रेंड्स इन महाभारत. अगेन महाभारत में, मतलब जब हम बात करते हैं करण की, करण वॉज अंग नरेश करण. So Ang was somewhere, you can associate in the historical terms that he was somewhere king of this area, Ang. So Ang Naresh Karan means Anga was a Mahajanpad during that time. So we can to some extent correlate to this part. So these are the few Mahajanpadas that we can discuss in this series that were important during the phase. Ab class, in sari Mahajanpadas mein se ek Mahajanpad aapki aisi bani jo bahut zyada strong hui. और वो जो महाजनपद थी वो थी आपकी मगध. सो मगध वॉज अ महाजनपद इन द सीरीज. अब इस मगध के लिए हमारे पास एक चीज, अगर मैं कहूं, देखो हम बात करते हैं हिस्ट्री में, जैसे इफ वी टॉक अबाउट दिस दिल्ली सल्तनत फ्रेंड्स. सो इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत, सो दिल्ली सल्तनत वॉज ओनली वन पार्ट. और इफ आई टॉक अबाउट दिस रूलर्स ऑफ दिल्ली, अगर मैं रूलर्स ऑफ दिल्ली की बात करता हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी आपकी सल्तनत आई हैं, लेट इट बी द ममलूक, लेट इट बी खिलजीज, और लेट इट बी एनी खिलजी और तुगलक, सैयद और लोधीज, मतलब ये सारे के सारे लोग दिल्ली पे रूल कर रहे थे. दैट्स व्हाई दे कम अंडर दिल्ली पार्ट. सेम इज द केस, मगध इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. Memorize this thing. Magad is the name of a place. And if I talk about this Magadha, rise of Magadha, I am talking about the people or the kings, those who were there in the Magad, those who rose to the power. इसमें एक dynasty का नाम friends नहीं आएगा. इसमें number of dynasties हैं जिनका नाम आएगा. So Magad is just, you can say, a base or a place from where different kings or dynasties rose. Now, what are the various reasons for the rise of Magad? Magad ke
राइज होने के पीछे क्या क्या रीजंस थे. सो वी कैन कैटेगराइज द रीजंस फॉर द राइज ऑफ मगध इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज द इकोनॉमिकल, सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक. इन इकोनॉमिकल वी कैन पुट इट फर्टाइल प्लेन. सेकेंड वी कैन पुट रिवर्स. थर्ड वी कैन पुट मिनरल्स. फोर्थ वी कैन पुट फॉरेस्ट. अब इकोनॉमिकल वे से देखें तो मगध जो था वो इन चीजों में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था. मतलब इट वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट इन द फर्टाइल प्लेन. वहां पे थे जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकती थी. दैट्स व्हाई द मगध वॉज इंपॉर्टेंट. रिवर्स, मगध वॉज यू कैन से सराउंडेड बाय नंबर ऑफ रिवर्स एज इट वॉज इन द गैंगेटिक प्लेन. तो वहां पे छोटी मोटी बहुत नदियां थी जो इसके आसपास थी. हेंस इट वॉज ऑल्सो गुड फॉर रिवर्स एंड रिवर्स वॉज सोर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर. तो ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर के लिए रिवर्स इंपॉर्टेंट थी. एग्रीकल्चर, मिनरल्स के लिए मगध वॉज इंपॉर्टेंट. और मगध के अंदर, मिनरल्स के अंदर इफ यू लुक इन टू दिस वी विल फाइंड द मिनरल्स विच वर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स, उसके लिए इंपॉर्टेंट थी. एज वेल एज फॉर द वॉर टाइम उसके लिए भी इंपॉर्टेंट थी. इन सब के अलावा देर वॉज फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर अगर हम देखते हैं तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास दो चीजें आती है. वन इज अ वुड विच कैन बी यूज फॉर देयर डे टू डे लाइफ. एंड सेकेंड थिंग वॉज एलिफेंट. एलिफेंट वॉज यूज इन द अर्लियर टाइम्स. इट वॉज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉर वेपन. वाई? बिकॉज इट वॉज यूज टू ब्रेक द गेट्स ऑफ द कैसल्स और इट वॉज यूज इन द वॉर और फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. सो ये चीजें अगर हम इकोनॉमिकल बेस पे देखें तो मगध कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली काफी अच्छी पोजिशन पे था. अगर अच्छी पोजिशन पे था सो इट विल बी अर्निंग एंड इट विल बी प्रॉस्परस. एंड इफ इट विल बी प्रॉस्परस इट विल बी गोइंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन आर्मी. तब ये आर्मी बनाने की कोशिश करेगा. सेकेंड थिंग वॉज स्ट्रेटेजिक लोकेशन. इकोनॉमिकल लोकेशन, स्ट्रेटेजिक. अब अगर मैं स्ट्रेटेजिक की बात करूं देन आई विल टॉक अबाउट टू थिंग्स. वन इज राजगीर एंड सेकेंड वॉज पाटलिपुत्रा. अगर मैं राजगीर की बात करता हूं, राजगीर वॉज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. वेयर एज पाटलिपुत्रा वॉज सराउंडेड बाय फाइव रिवर्स. तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी मगध की बहुत ज्यादा थी. सो हम ये भी देखते हैं कि बीच में द कैपिटल हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम पाटलिपुत्रा, राजगीर टू पाटलिपुत्रा एंड ऑल. क्यों? क्योंकि यहां पे इनको लोकेशन बहुत अच्छी मिलती जा रही थी. सो और लास्ट वन वॉज द सोशियो कल्चरल. यहां पे ज्यादातर तो लोग आए थे, देवर फेड अप विद दिस क्लास सोसाइटी. सो इस क्लास सोसाइटी से फेड अप होने की वजह से देवर इन टू द न्यू वर्ल्ड एंड वेयर दे वुड यू कैन से कॉम्प्रोमाइज विद द ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स ऑफ वैदिक एज, लेटर वैदिक एज. सो सोशियो कल्चरल, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिकल कंडीशन को अगर हम मिलाते हैं देन वी विल फाइंड दैट दिस मगध हैज टू राइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो इन तीन चीजों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, मगध के पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज भी थे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी थी, कल्चरली भी, सोशियो कल्चरली भी मगध वॉज एट एन एडवांटेज. सो मगध हैज टू राइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. इसके बाद क्या होता है जब हमने मगध को देख रहे हैं कि मगध राइज करना चाहिए. द फर्स्ट डायनेस्टी, देखो एक ट्रिक है इसको याद करने का, एक कहानी है. अगर मैं इन डायनेस्टीज की बात करता हूं देन द फर्स्ट डायनेस्टी, फर्स्टली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सीक्वेंस. द फर्स्ट डायनेस्टी इज हरियंका डायनेस्टी. देन वी हैव शिशु नाग डायनेस्टी. देन वी हैव नंद डायनेस्टी. देन वी हैव मौर्य डायनेस्टी. देन वी हैव शुंग डायनेस्टी. देन वी हैव कन्नवा डायनेस्टी. हमारे पास टोटल सिक्स डायनेस्टीज हैं
जो कि हमारी एक मगध एम्पायर बनाती हैं, मगध। एंड यू नीड टू जस्ट कीप इन माइंड दैट फर्स्ट डायनेस्टी वॉज हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद थे, मौर्य थे, शुंग थे और कन्नव थे। नाउ इसको याद करना थोड़ा कंपेरिजन थोड़ा दिक्कत वाला हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू मेमोराइज लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो एक चीज मेरी याद रखिएगा फ्रेंड्स, मौर्यन डायनेस्टी को शुरू किया था बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को शुरू किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्यन डायनेस्टी को शुरू किया था, सो चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करने वाला कौन था? चाणक्य। चाणक्य वॉज इज एडमिनिस्ट्रेटर। सो चाणक्य मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आया था एंड ही रोज हिम टू द पावर्स। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, वी डोंट नो दिस चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम विच क्लास और विच कास्ट ही बिलोंग्ड। सो सम इवन प्रिडिक्ट दैट, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी एट प्रेजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल प्रीव्यू परव्यू। सो अकॉर्डिंग टू दोज दिस चंद्रगुप्त मौर्य वॉज ऑल्सो अ शूद्रा बाय कास्ट। सो अगर ये शूद्रा था देन यू कैन रिमेंबर वन थिंग कि हर शिशु ने मौर्या को शूद्र कहा। इसको याद रखिएगा कि हर शिशु ने मौर्या को शूद्र कहा। अगर आपको ये याद हो जाता है इस कहानी के साथ कि मौर्यास और ऑल्सो शूद्रास, देन यू कैन इजीली मेक इट आउट हर से बना आपका हरियंका डायनेस्टी, शिशु से शिशुनागा डायनेस्टी, ने से नंद डायनेस्टी, मौर्य से मौर्यास, शूद्र से शुंग डायनेस्टी, कहा से कन्वा डायनेस्टी। और ये सारे के सारे मगध में फ्लोरिश किए थे एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड ऑफ विद गुप्ता पीरियड। इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, हमें का मीन मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन रूल्ड बाय ईच एंड एवरी रिलीजन। इन एंशियंट इंडिया वी सी दैट वी हैव बीन रूल्ड बाय हिंदूज। इन मिडिवल इंडिया वी विल कम टू नो दैट हमें मुस्लिम्स ने बहुत रूल किया। इन मॉडर्न इंडिया वी विल कम टू नो दैट वी हैव बीन रूल्ड बाय क्रिश्चियंस। हमें तीन धर्म ने रूल किया है जिसके बेस पे हमने एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न बना दी। अपार्ट फ्रॉम इट इफ यू लुक इन टू दिस मोर डीपली विल कम अक्रॉस हमें हर कास्ट ने रूल किया है। वी हैव फोर वर्णास, वी हैव फोर कास्ट एंड इन दोज कास्ट वी हैव बीन रूल्ड बाय ईच एंड एवरी कास्ट। ईच एंड एवरी कास्ट मीन्स इन हरियंक डायनेस्टी एंड शिशुनाग डायनेस्टी दीज आर क्षत्रियाज इन नेचर। नंद डायनेस्टी वॉज फर्स्ट शूद्र डायनेस्टी। दो डायनेस्टीज होगी, मौर्यास टू सम एक्सटेंट यू कैन ऑल्सो कंसिडर मौर्यास एज शूद्रास। वेयर एज इन द शुंग एंड कन्वा डायनेस्टी दीज टू डायनेस्टीज आर ब्राह्मणिकल इन नेचर, आर ब्राह्मणिकल इन नेचर। सो हरेंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी एंड कन्वर डायनेस्टी, ये हमारे मगध एम्पायर में ही हमारे तीन पूरे हो जाते हैं। अब हमारे पास फोर्थ क्लास बची, फोर्थ क्लास इज द वैश्यास। सो वैश्यास, वैश्यास को अगर हम देखें सो गुप्तास आर कंसिडर्ड टू बी द वैश्यास। फोर क्लास, फोर रूलर्स। और अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं, हरेंका डायनेस्टी और शिशुनागा डायनेस्टी, दीज आर द बेसिक्स, और यू कैन से यहां से मगध कंसोलिडेट होने शुरू हुआ। नंद इसको अपने पीक पे ले गए, मौर्य वॉज द क्लाइमेक्स, शिशुनाग एंड कन्वा वॉज द डिक्लाइन। गॉट इट? हरेंक बनाया, नंद एक्सट्रीम पीक पे ले गए, मौर्यास कहीं ना कहीं क्लाइमेक्स पे थे, शुंग एंड कन्वा डिक्लाइन एंड आफ्टर दैट केम द गुप्ता पीरियड। सो अगर हम इसमें हरेंक डायनेस्टी को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हरेंक डायनेस्टी में क्या आएगा? हरेंक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय बिंबिसारा। हरेंक डायनेस्टी बिंबिसारा ने फाउंड की थी फ्रेंड्स, और बिंबिसारा को हम कहते थे सेनिया, SENIYA सेनिया। हरेंक डायनेस्टी बिंबिसारा
ही वॉज नोन एज सेनिया. व्हाट इज सेनिया? एन इंडिविजुअल हु इज हैविंग स्टैंडिंग आर्मी. सो बिंबिसार वॉज नोन एज, देखो कई बार इट इज यू ऑलवेज गेट कंफ्यूज बिटवीन बिंबिसार एंड बिंदुसार. बिंबिसार और बिंदुसार में आप कई बार कंफ्यूज रहते हो. क्यों कंफ्यूज रहते हो? क्योंकि इन दोनों के नाम सेम है. ये याद रखिएगा, मौर्य का केस दिस इज चंद्र बिंदु अशोक. चंद्र से आया चंद्रगुप्ता, बिंदु से आया बिंदुसार. इट इज डिफरेंट फ्रॉम बिंबिसार. बिंबिसार से बिंदुसार अलग है. बिंदुसार वॉज ऑफ मौर्यास, वेर इज बिंबिसार वॉज ऑफ हरियंक डायनेस्टी एंड ही वॉज नोन एज द सेनिया. इसके बाद सेकेंड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज ही हेल्ड अ मीटिंग ऑफ 50,000 विलेजेस. 50,000 विलेजेस की इसने मीटिंग कन्वीन की. मतलब उस टाइम पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट आ चुका था सोसाइटी में. आर्मी थी, 50,000 लोगों की इसने मीटिंग कन्वीन की. ही हैड अ वॉर विद कोसाला. कोसाला के साथ इसकी लड़ाई हुई, वेयर ही गॉट काशी एज डाउरी. काशी उसको डाउरी में मिली. दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस बिंबिसार वॉज ही सेंट जीविका अ फिजिशियन टू अवंती. अवंती के लिए इसने फिजिशियन सेंड किया. अवंती जहां पे आयरन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद थी, वहां के लिए इसने एक जीविका, जीविका मीन्स फिजिशियन इसने सेंड किया. वाई? बिकॉज अवंती का जो किंग था चंद प्रद्योत, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. सो हरेंक डायनेस्टी का बिंबिसार का ये है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्लास हमारी हिस्ट्री वहां से शुरू होती है जहां पे एक बेटा अपने बाप को मारता है. बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा था अजाद शत्रु. एंड अजाद शत्रु वॉज द इंडिविजुअल हु किल्ड हिज ओन फादर. क्यों मारा, किस रीजन से मारा, इसके लिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट अलग से बात करते हैं एंड द जैन टेक्स्ट दे टॉक डिफरेंटली. अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज इन केस ऑफ बिंबिसार, he was very much in love with this. Bimbisar was very much in love with his son Azashatru. So, but Azashatru in the seek of power, इसने क्या किया, अपने डैड को कहीं ना कहीं बंदी बना लिया और कारागार में भेज दिया. जब उसको अपने कारागार में भेज दिया गया, at that point of time, this came. हिज मदर गाइडेड हिम. आई वोंट बी गोइंग टू मच डिटेल्स, लेकिन बात यह है उसकी माँ ने इसको समझाया कि बेटे से प्यार करना क्या होता है. एंड हिज फादर ऑल्सो लव्ड हिम लाइक एनी थिंग. सो आफ्टर रियलाइजिंग कि हिज फादर लव्ड हिम लाइक एनी थिंग एंड ही रैन अलॉन्ग विद यू कैन से एक्स इन हिज हैंड टू कट ऑफ द चेन्स.